and assalamu alaikum. Welcome to another episode of Life City2. I am Raja Sarwar Suhaib. And as you can see, this time behind me, there is a lot of gamma gammy looking at me. We are in the sports complex of Islamabad, which is Islamabad's biggest sports complex. And here we are going to cover the Ring of Pakistan, which is the event of the year. So we'll try to find out what's happening in today's event. Just to give you a heads up, here international wrestlers are present. This is the second time that they've come to Pakistan and they're performing over here. Besides, there are many national singers who are also present here. So let's go, try to have fun. Hopefully we will have a great evening. You guys have to stick along so you can be a part of it as well. और इस वक्त दो रेसलिंग मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं. जस्ट टू टेक अ पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, इस वक्त हमारे साथ एक स्पेक्टेटर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांद मलिक. आप कहाँ से आए हैं चांद मलिक? मैं इस्लामाबाद से. अच्छा, इस्लामाबाद से ही हैं. तो आपने बहुत सुना होगा ये किन आरोपी के बारे में, जब आप यहाँ पर आए हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिकॉज हम इनकी टीम्स के अंदर थे, हमने इस इवेंट को बहुत प्रमोट किया, काफ़ी लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैक्सिमम 1000+ लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है, इसकी प्रमोशंस की हैं इवेंट्स की. तो आज वो रंग ले आई हैं, आपने देख लिया कितना क्राउड है. आपको क्या लग रहा है ये जो इंटरनेशनल रेसलर्स इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं और जो नेशनल सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी इस पार्टिसिपेशन से जो ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज है वो इंटरनेशनली किस तरीके से बेहतर होगी? वो इस तरह बेहतर होती है कि यहाँ पे सब सिक्योरिटी प्रोवाइड है, ISPR की कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है और ये एक इंटरनेशनल मीडिया को और सारी दुनिया को पैगाम है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, हम इतने ख़राब नहीं है जितना इंडिया ने हमें ख़राब किया हुआ है. और ये इंडिया के मुंह के ऊपर एक तमाचा भी है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो रहा है. और ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है बेहतर हो सकती है? बेहतर यही है कि इस इवेंट की थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी और करनी चाहिए, ठीक है, और इवेंट्स को ज़्यादा सिटीज़ के अंदर हमें करना चाहिए ताकि ज़्यादा जितने ज़्यादा इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान आएंगे उतनी पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर होगा और इस तरह पाकिस्तान तरक्की बहुत ज़्यादा करेगा. चलिए, यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच. और यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है. अपना नाम सबसे पहले बताएं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तमकीन. मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं इस्लामाबाद से. अच्छा, तो तमकीन मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे आप आई हैं आपको इवेंट कैसा लग रहा है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा इवेंट मैंने इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम देखा है. इससे पहले भी हम लोग इवेंट्स पे जाते रहे बट इतना अच्छा इवेंट और इतनी अच्छी मतलब रिस्पेक्टेबल इवेंट है ये, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने. मुझे ये बताइए, रेसलिंग को आप फॉलो करती हैं? बिल्कुल करती हूँ बट इतना कोई खास मैं इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन अच्छा लगा मुझे. या क्या आपको कोई अवेयरनेस मिल रही है रिगार्डिंग रेसलिंग? आपको लग रहा है आप वापस जाकर फॉलो करेंगी कोई रेसलिंग मैच को? श्योर, जरूर, इंशाल्लाह जरूर फॉलो करूंगी. वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. मच, थैंक यू सो मच.
और अभी आपने देखा कि मैच जो है वो खत्म हो चुका है और पाकिस्तानी निजात बादशाह जो है वो मैच जीत गए। इस वक्त हम एक फाइनल कमेंट लेंगे यहाँ पे एक स्पेक्टेटर से। अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? माय नेम इज रहमान अली एंड आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। जो आज ओवरऑल टूर्नामेंट था कैसा लगा आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा ये टूर्नामेंट? आई थिंक सो पूरा उतरा है क्योंकि काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, स्कोटी वाइज काफ़ी अच्छा था। अच्छा मुझे ये बताइए, जो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं और स्पेशली इंटरनेशनल रेसलर्स पाकिस्तान में आए हैं, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए कितना अच्छा है? आई थिंक सो बहुत अच्छा है, इमेज है, आप एक मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हमें ऐसे और मैचेस, ऐसे और इवेंट्स करने चाहिए। वंडरफुल। फाइनली आई वॉन्ट टू आस्क यू, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसी थी लोगों की, कैसा इन्वायरमेंट था? काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट थी, मोर देन 10,000 आई थिंक सो प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 3 डेज तक ये रहा। आई थिंक सो बेस्ट है इस्लामाबाद के लिए इवेंट में से। ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। नाम बताइएगा सबसे पहले। दुनिया कहाँ से आई आप? I'm from Islamabad. Alright, you are from Islamabad. Were you expecting something really extraordinary out of this event? And now that you're over here, आपको कैसा लग रहा है इस event को देखके? First of all, इस तरह के events होने चाहिए and I just love the food over here. Like last time Coke Fest हुआ था, but this one is much better than that. क्या खाया आप? मैंने ये इनका barbecue and it's amazing. You all should try here. और इस तरह के events होने चाहिए यार। Is it chicken event? Chicken barbecue? Alright, so I want to ask you again, यहाँ पे international wrestlers भी आए हुए हैं, national singers जो हैं वो perform कर रहे हैं, ये events कितने important है इस्लामाबाद जैसी city के लिए भी और generally पाकिस्तान की image को बेहतर करने के लिए दुनिया के अंदर? यार ऐसे events होने चाहिए because like this is presenting our Pakistan and I think we should have more time. तरह के इवेंट्स जब भी होते हैं तो यहाँ पे खाने पीने के जो स्टॉल होते हैं वो खास तौर पर लोगों की सबसे बड़ी अट्रैक्शन होते हैं। यहाँ पे इस वक्त हम एक स्टॉल के आगे मौजूद हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम सबसे पहले बताएं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम असद है। मेरा नाम अजीम भट्ट है। तो आप कौन सा स्टॉल है आपका यहाँ पे, उसका भी नाम बताइए और उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो स्टॉल का नाम है अलमलक रिफ्रेशमेंट सेंटर है और हम यहाँ पे रावलपिंडी से स्पेशल तशरीफ़ लाए हुए हैं। यहाँ पे हमने लेमन सोडा, गोलगप्पे, चना चाट, फिंगर चिप्स और दही भले रखे हुए हैं। तो जो आपकी शॉप है उधर भी यही चीज़ें मिलती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ पे? यकीनन लोगों की तादाद अमूमन ऐसे इवेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा होती है, बिज़नेस कैसा होता है यहाँ? अमूमन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इस दफ़ा महंगाई इतनी है कि लोग जो हैं ऐसे इवेंट में बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि 80,000 का क्राउड आता है यहाँ पर, लेकिन इस दफ़ा मैक्सिमम 5,000-6,000 क्राउड आया है। इसकी वजह आपको महंगाई लग रही है? जी बिल्कुल महंगाई है क्योंकि यहाँ पे 750 का मिनिमम टिकट रखा गया है तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं आ रहे हैं, इस वजह से क्राउड बहुत कम है और बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है इस दफ़ा। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह आपने एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो प्राइसेस थी टिकट्स की वो कम होनी चाहिए थी ताकि ज़्यादातर लोग जो है वो ख़रीद सकते और यहाँ पर आकर इन स्टॉल्स को विज़िट कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू बेहतर बनाया जा सकता है ऐसे इवेंट्स को? सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, जो मर्ज़ी आ जा रहे हैं दिन को कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ मिनिमम टिकट जो है था वो 100 रुपीज़ होना चाहिए था ताकि जो मिडिल तबके के या छोटे तबके के लोग हैं वो भी इस इवेंट को इन्जॉय कर सकते हैं। 750 का जो टिकट लगाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ खसूसन आवाम के लिए जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मुझे उसके अलावा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए, प्राइस कम कर दी उसके अलावा क्या हो सकता था कि आपके ये जो स्टॉल्स इनको बेहतर बनाया जाए? यहाँ पे सबसे पहले स्टॉल्स की डेकोरेशन की जाती और एक मखसूस जगह पे स्टॉल लगा दिए गए, जितने गेट थे हर गेट पर 2-2, 3-3 स्टॉल लगाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस होता। अब 1-2 आइटम के 10-10 स्टॉल्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस नहीं और क्राउड भी नहीं है। आई होप कि आज आखिरी दिन है गालबन
तो इसके बाद जो मजीद इवेंट्स होते हैं उनमें आपको मौका मिले विजिट करने का। मुझे आपकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं इनकी जो शॉप है रावलपिंडी के अंदर, रावल पार्क के अंदर, और वहाँ पर जाकर आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। इस तरह बहुत कम होता है कि मुझे एक जो गेस्ट हो वो बार बार जो है डिफरेंट पब्लिक सर्विस के अंदर मिले, और यहाँ पे मुझे इसी तरह के एक गेस्ट जो है वो मिले हैं। सर थैंक यू सो मच, द प्लेजर टू टॉक टू यू अगेन। अपना नाम लोगों के लिए फिर से बताइएगा और फिर मुझे बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी मेरा नाम शिराज है जी, शिराज नासिर। वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ लेकिन मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। एक बस चिकन टिक्का का हमने एक काउंटर जो था उसको सर्व किया है, और हम अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन हमें थोड़ी सी गिला भी है मामला से कि पब्लिक को अवेयरनेस ही थी या इन्होंने मिसमैनेज किया है सारे प्रोग्राम को, कि हमारे बल्कि जो लोग चले जो हमें सप्लाई कर रहे थे आइटम्स या कोई सामान भी, उनको इतनी हर्डल हुई है। पब्लिक बाहर बेचारे आने को तैयार थी लेकिन अंदर सिक्योरिटी वाले भी अपने मामला में चला रहे थे लेकिन अंदर एंट्री मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से कई पब्लिक बिल्कुल आ नहीं सके जनाब, हमारे कई दोस्त नहीं आ सके। और आपको लग रही है काफ़ी मिसमैनेजमेंट की वजह से आपका बिज़नेस भी अफेक्ट हुआ है, ओवरऑल इवेंट जो है वो ख़राब हुआ है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे आप सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारा तो फिर शुक्र अल्लाह का फिर भी कुछ चल रहा है। आप किसी से भी व्यूज लेंगे ना इसके तो वो यही कहेंगे ना पब्लिक की एंट्री नहीं थी, मतलब कॉमन मैन अंदर आएगा तो सर हम उसको सर्व करेंगे ना, हमारा बिज़नेस डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है। हम पहले दिन जिस तरह आए हैं हमने कहा था यार हमारा अगर 100% नहीं चलो 80% हो जाएगा, वो 20% भी आ गई बात, तो ये हमें बड़ा इफेक्ट हुआ उसका। आज कंपेरेटिवली कुछ बेहतर है लेकिन हमने दो दिन लॉस ही किया अपना जी। आपको क्या लगता है कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता था? बहुत सारी चीज़ें आपने अभी बताई भी हैं लेकिन इस तरह के इंटरनेशनल जब टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं खासतौर पर और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ एफिलिएटेड हैं, आपके ख्याल में क्या चीज़ें की जा सकती थी इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? देखिए ना पब्लिक की अवेयरनेस के लिए उनको फैसिलिटेट करते, मुझे जो गैप नज़र आया सिक्योरिटीज़ वाले अपनी तरफ से ठीक है स्ट्रिक्ट थे, लोगों को आने में हडल हुई, लोगों को अवेयरनेस दे थी। पहले इन्होंने ई टिकटिंग शुरू की, ई टिकटिंग में लोगों ने हो सकता है अवेल नहीं किया हो, उसके बाद इन्होंने सेकंड डे में लोगों को टिकट बूथ भी बनाए, लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी पे लोग मामूर थे उन्होंने उनको नॉलेज ही नहीं था हो सकता है, वो कहते थे जनाब आप हमें टिकट दिखाए, वो कहते अंदर जाएंगे तो टिकट लेंगे ना, उनकी एंट्री ही जब आपने अलाउ नहीं की तो अंदर पब्लिक कैसे आती। स्टार्टिंग से एंड तक बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, आई होप इस वक्त इंतजामिया ये सुन रही होगी और आपको बहुत सारे फीडबैक मिल चुके होंगे, लिहाजन आपको चाहिए कि अगली दफ़ा जब भी आप इस तरह के इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ग्रेटफुल जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हमजा है। मोहम्मद अजान अली। ठीक है, मुझे बताइए कैसा लग रहा है इवेंट यहाँ पे अभी तक? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस इवेंट के बारे में? अच्छी चीज़ जिसमें बहुत स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत उसमें रौनक है, बहुत लगी हुई है, स्टेडियम्स हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। स्कूल चल रहे हैं आजकल या छुट्टियां हैं? स्कूल छुट्टियां कर रहे हैं आजकल। छुट्टियां कर रहे हैं, छुट्टियां हुई भी हैं? हुई हुई नहीं, हम कर रहे हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि स्टॉल पे आना। अच्छा आपके स्कूल चल रहे हैं, आपकी भी छुट्टी चल रहे हैं स्कूल? तो स्कूल के दिनों में जब इतना सारा होमवर्क होता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इस तरह के इवेंट्स किस तरीके से आपको टाइम दे सकते हैं ऑफ मज़े के लिए, यू नो फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है? मैं तो करता ही नहीं। मैं तो बस ऐसी समझो मैं उम्र करके तो बस बैठा ही रहता हूं। वो करके आप इसी तरह कर लेता हूं एक बार लेट नाइट जबर करता हूं। जबरदस्त। फेवरेट रेस्लर कौन है जल्दी से बताएं जी? फेवरेट रेस्लर कौन सा है जल्दी से बताओ। रेस्लर मेरा सेथ रोलिंस। आपका फेवरेट रेस्लर कौन सा है? मेरा सर पाकिस्तान का जिसने झंडा उठाया था। पाकिस्तान जिसने झंडा उठाया था वो कौन सा है? वो और जिसने पाकिस्तान का झंडा उठाया था रात को वो दोनों जीत गए थे। वो आज के स्पेशल शो में अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्पेशल लाइव एच सी टी टू का एपिसोड पसंद आया होगा। हमने रिंग ऑफ पाकिस्तान को आपके लिए कवर किया, आपने बहुत सारे मैचेस भी हमारे थ्रू अभी देखे होंगे। आई रियली पर्सनली लाइक दिस इवेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के वेरिंग ओपिनियंस थे, कुछ को पसंद आया कुछ को नहीं आया, पर आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा बिकॉज इट रियली पोर्ट्रेज द इंटरनेशनल इमेज जो आने वाले सालों में पाकिस्तान की इंप्रूव होगी। आज के लिए इतना ही, अब तक ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।